सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल अरुषे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं अपडेटेड टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि लेटेस्ट स्मार्टफोन वन प्लस एस थ्री की आज हम बात करने जा रहे हैं। इसके अंदर दो अहम फीचर्स दिए जा रहे हैं, जिसमें अंदर बैटरी और प्रोसेसर आप लोगों के लिए इसमें औसम दिया जा रहा है। बैटरी इसमें 5500 mAh की बैटरी है, जो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगी। और पहली दफ़ा जो है प्रोसेसर को स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के अंदर रखा गया है। इसका कैमरा और इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, इसकी जो मेमोरी वेरियंट्स है, कलर का कम्बिनेशन है और ओवरऑल परफॉर्मेंस आप लोगों के लिए बेस्ट दी जा रही है। और ये भी चाइना में रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि ग्लोबली बहुत जल्द इसको लॉन्च किया जाएगा और पाकिस्तान में भी बहुत जल्द इसको लॉन्च किया जाएगा। तो आज हम इसके कंप्लीट फीचर्स पर बात करेंगे, क्या क्या इसमें जो अहम फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं, क्या कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो सब कुछ जो है आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि मैं आपको एक ज़बरदस्त और एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो बिना टाइम जाए के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बैटरी के हवाले से बात करते हैं सबसे पहले, तो इसमें आपको 17 आवर्स का जो है वीडियो प्लेबैक इसमें आप कर सकते हो। 8 आवर्स तक जो है आप जो है गेम प्ले कर सकते हो, वो भी ये कि नॉन स्टॉप आप कर सकते हो। 100 वॉट का जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें आपको मिलने वाला है। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं डिस्प्ले की तरफ। डिस्प्ले के हवाले से ये है कि 6.78 इंचेस का OLED पैनल दिया जा रहा है। 1.5K रेजोल्यूशन इसमें दिया जा रहा है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कलर के हवाले से, तो इसमें 3 वेरिएंट्स दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको स्टार ब्लैक दिया जा रहा है, मून सी दिया जा रहा है और सैंड गोल्ड दिया जा रहा है। देखिए अब हम आते हैं कैमरे की तरफ। कैमरे के हवाले से अगर बात करते हैं, तो फ्रंट कैमरा इसमें आपको 16 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया जा रहा है। रियर साइड की अगर हम बात करते हैं, तो 50 MP का जो है ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, जिसमें सोनी वाला सेंसर को यूज़ किया गया है, जो कि IMX890 का है। OIS सपोर्ट भी इसमें आपको दिया जा रहा है। 8 MP अल्ट्रा वाइड दिया जा रहा है, 2 MP मैक्रो दिया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इसकी मेमोरी वेरिएंट्स की, तो इसमें आपको 3 वेरिएंट्स दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको 12 GB के साथ जो है 256 GB का स्टोरेज दिया जा रहा है, 16 GB के साथ 256 GB का स्टोरेज दिया जा रहा है। थर्ड जो वेरिएंट है उसमें 16 GB के साथ जो है 1 TB का स्टोरेज दिया जा रहा है। देखिए ओवरऑल तो ये है कि मेरे हिसाब से जो है इस स्मार्टफोन के अंदर तमाम फीचर जो है मुझे अच्छे लगे हैं। तो अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा है। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। तो सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।